हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, जब भी हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि एनिमल क्लासिफिकेशन बहुत टफ होगा, और आप मेरी इस बात से बहुत सहमत होंगे कि बायोलॉजी के कोई भी स्टूडेंट हो वो एनिमल क्लासिफिकेशन से घबराते हैं। हो सकता है आप भी घबराते हो। एनिमल क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हमें उसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है, और मेरा एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स आउटलाइन क्लासिफिकेशन को ही मिस कर देते हैं और वो आगे पढ़ने लगते हैं या फिर आगे या पीछे समझने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट एनिमल क्लासिफिकेशन को ढंग से नहीं समझ पाते, बिकॉज वो उसके शुरुआती कॉन्टेक्स्ट को, शुरुआती रूपरेखा को कभी भी क्लियर नहीं कर पाते। तो चलिए, इस प्रॉब्लम का समाधान हम इस वीडियो में करने वाले हैं, और आज के इस वीडियो के अंदर हम एनिमल क्लासिफिकेशन को बहुत डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन के रूप में पढ़ेंगे, और मेरा दावा है इस बार आपका ये डर शायद निकल जाएगा। और जब हम इसको इस वीडियो को हम एंड तक देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको मोटा मोटा सारा कंफ्यूजन या फिर एक एनिमल किंगडम का सारा आउटलाइन आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक नए लेटेस्ट वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा, आउटलाइन क्लासिफिकेशन की हम जब भी बात करते हैं और हम एनिमल किंगडम को एज ए होल हम मिस कर देते हैं, संपूर्ण रूप से समझने में हम विफल हो जाते हैं, तो इसलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं आउटलाइन क्लासिफिकेशन का ये वीडियो। चलिए, सबसे पहले आउटलाइन क्लासिफिकेशन जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कंटेंट देने के लिए, लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एनिमेलिया जो किंगडम है, हमें इस बात को समझना होगा कि सबसे पहले हमारे पास किंगडम है एनिमेलिया, और ये जो एनिमल किंगडम है, जो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब तक आप फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एनिमल किंगडम को नहीं समझ पाएंगे। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पांचवा जो किंगडम है वो है एनिमेलिया, जिसमें हम एनिमल्स की बात करते हैं, और किंगडम के बाद में हम जनरली पढ़ते हैं, किंगडम के बाद में फाइलम होता है, फिर क्लास होती है, फिर ऑर्डर होता है, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। लेकिन इन सब के बीच में एनिमल किंगडम को बहुत और सारे स्टेप्स में भी शुरू में तोड़ा गया है, तो हम लाइफ के ओरिजिन के हिसाब से हम एनिमल किंगडम के ओरिजिन को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक चीज और क्लियर करें, बिकॉज एनिमल किंगडम में एनिमल यानी एनिमल बिहेवियर वाले सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, और एनिमल क्या होते हैं, ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिकॉज जब व्हीकल का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो जो पांचवा किंगडम है वो एनिमेलिया है, और पांचवे किंगडम एनिमेलिया की तीन खास बातें, पहली मल्टी सेलुलर, दूसरी एनिमल लाइक पोषण या फिर अपन कहें होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब है हिटरोट्रॉफिक यानी विषमपोषी, यानी ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हों। जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और तीसरी चीज है उनके अंदर सेल वॉल नहीं मिलती, सेल मेम्ब्रेन होती है, और एक चीज और ऐड कर लेते हैं, इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो हमेशा ग्लाइकोजन होता है। तो ये चार बिहेवियर शो करने वाली तमाम कोशिकाएं काएं क्यों, बिकॉज मल्टी सेलुलर है, यानी या फिर मैं इस बिहेवियर को शो करने वाली तमाम कोशिकाओं के जो ग्रुप है उन सबको हम एनिमल किंगडम में रखते हैं। और जब मैंने बात की कोशिकाएं, तो इसका मतलब बहुत शुरुआती लेवल पर, इसे सेलुलर लेवल पर ही इसे क्लासिफाई किया गया। तो चलिए, यहीं से हम शुरू करने वाले हैं, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो क्लासिफिकेशन दिया है वो दिया है मैग्लिश पीए 1972 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जितना भी एनिमल किंगडम है, जितना भी ये जंतु जगत है, इसको दो उप जगतों में बांटा गया है। सबसे पहला जो उप जगत है वो है प्रोटोजोआ, और हमें, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हमारे पास एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए,
वो है कि हम किसी भी टर्मिनोलॉजी को संधि विच्छेद करके, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो ढंग से पढ़ेंगे समझेंगे, हमेशा कोई भी वर्ड अगर है उसको डाइसेक्ट आउट करना है, उसको तोड़ना है ताकि हम उसका अर्थ समझ पाएंगे। और जितना आप ये कोशिश करेंगे आपके रटने का जो कंटेंट है वो कम हो जाएगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एनिमल क्लासिफिकेशन एक समझने का सब्जेक्ट है, रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये मिथ मैं पहले भी प्रूव कर चुका हूँ कि गलत है और आज फिर मैं इसको प्रूव करूंगा। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं उपजगत प्रोटोजो। नाम से ही स्पष्ट है, प्रोटो माने प्रारंभिक, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जोआ जोआ माने एनिमल्स। ये जो प्रोटोजो है, बिकॉज यहां पर इनके जो डिवीजन का आधार है वो सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स इनका आधार है, यहां पर जो आधार है सेल्यूलैरिटी आधार है। यहां पर ये प्रोटोजोअन सारे के सारे क्या है, यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है, एक कोशिकीय है। क्योंकि जीवन की जब उत्पत्ति हुई तो पहली बार जो सेल्स बनी वो यूनिसेल्यूलर थी और उन्हीं सेल्स में ही डिवीजन हो गया था। कुछ कोशिकाएं जो फोटोसिंथेसिस करने लगी, कोशिका भित्ति इनके चारों तरफ से फोटोसिंथेसिस करने लगी, कोशिका भित्ति थी और साथ में स्टार्च वगैरह का जब इन्होंने जमाव करने लगा तो वो प्लांट्स में चले गए। लेकिन एनिमल्स में हिटरोट्रॉफिक सेल्स थी, सेल वॉल लेस थी और जिनके अंदर एनिमल जैसा था वो सारी यहां चली गई। तो ये यूनिसेलुलर जीव है। लेकिन जो मेटाजोआ है, मेटाजोआ, मेटाजोआ को मेटाजोआ इसीलिए कहते हैं बिकॉज मेटा मीन्स एडवांस और जोआ, और मेटाजोआ का सीधा सीधा मतलब है यहाँ पे मल्टी सेलुलर। तो यहां पर सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। लेकिन यहां पर हम इस मल्टी सेलुलरिटी को, क्योंकि ब्रॉड वे में क्लासिफाई किया गया मेटाजोआ को, मेटाजोआ में मोटा मोटे तौर पर मल्टी सेलुलर जीव आए। अब यहां पर हम फाइलम वाइज अगर चले तो यहां पर जो प्रोटोजोआ में जो फाइलम आता है, एक ही फाइलम है तो मैं रेड से डिनोट करूंगा, इसमें आता है फाइलम प्रोटोजोआ। ये जो प्रोटोजोआ है ये है सब किंगडम, लेकिन यहां पर ये जो मैंने रेड में लिखा है ये है प्रोटोजोआ, जिसको मैं राउंड भी कर देता हूं, जो भी मैं राउंड में करूंगा और रेड में लिखूंगा वो होंगे फाइलम। तो प्रोटोजोआ में आता है प्रोटोजोआ फाइलम। अभी आप कहेंगे कि सर अभी आपने ये कहा कि हिकल ने कहा मल्टी सेलुलर है लेकिन प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर होते हैं, तो मैं पहले के वीडियो में भी कह चुका हूँ, प्रोटिस्टा वाले वीडियो में भी कह चुका हूँ और हर बार ही लगभग कहता हूँ कि प्रोटोजोआ एनिमेलिया में नहीं है। लेकिन मैग्लिश ने 1972 में इसको बिकॉज ओवरऑल डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पर बिकॉज बहुत सारे प्रोटोजोअन्स जो है उनमें एनिमल के लक्षण पाए जाते हैं, बाद में प्रोटोजोआ को हमने प्रोटिस्टा में रख दिया। आज हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं प्रोटोजोआ, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकली हम इसे आज भी पढ़ते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन उसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी थोड़ी है, वो तो साइनोबैक्टीरिया है। पहले वो एल्गी में क्लासिफाइड था लेकिन बाद में जब देखा ये तो प्रोकैरियोटिक नेचर में है, तो एल्गी तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होते हैं, तो उसको बाद में ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया में के रूप में क्लासिफाई किया। लेकिन आज भी हम ब्लू ग्रीन एल्गी अथवा साइनोबैक्टीरिया लिखते हैं, हम ऐसा भी नहीं कहते साइनोबैक्टीरिया अथवा ब्लू ग्रीन एल्गी, हम ब्लू ग्रीन एल्गी अथवा साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो ये प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर जीव है, एक कोशिकीय होंगे हम सब जानते हैं, इनका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बड़े अलग अलग तरह का होता है, ये मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। ये कुछ जैसे युगलिना की बात करें तो युगलिना तो पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है, तो यूनिसेलुलर है, पौधे जैसे लक्षण भी हैं, हेटरोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, कई तरह के मोड और हर एक आवास में पाए जाते हैं, जलीय भी हैं, स्थलीय भी हैं, कचरे पे भी उग सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रोटोजोअन सभी को छोटे जीव हैं और शुरुआती वातावरण में बहुत तरह का इनको वातावरण मिला, तो हर तरह का जो पोषण है वो इनमें पाया जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हर एक स्टेप का एक डिटेल्ड वीडियो हम आगे लेकर के आएंगे, जैसे मेटाजोआ के जो हम आगे क्लासिफाई करने वाले हैं कि मेटाजोन्स कौन है, इसका एक अपन डिटेल वीडियो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आउटलाइन क्लासिफिकेशन, अदरवाइज वीडियो विल बी वेरी लेंथी। तो चलिए मेटाजोन्स है वो है वे मल्टी सेलुलर, ठीक है ये ध्यान रखना। अभी जो मल्टी सेलुलर जीव है, जैसा कि मैंने कहा मल्टी सेलुलरिटी एक मिनट में नहीं आ गई के सारे जो सेल्स हैं वो एक साथ रहने लगे और मल्टी सेलुलर हो गए, मल्टी सेलुलरिटी भी बहुत स्टेप्स में आई। सबसे पहला जो इसकी शाखा है, जो ये उपजगत है, इसको हमने तीन ब्रांचेस में बांटा है। सबसे पहले आती है मीसोजोआ, फिर आता है पैराजोआ और उसके बाद आता है यू मेटाजोआ। अब ये मीसोजोआ, पैराजोआ और यू मेटाजोआ क्या है, इसे हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीसोजोआ की, ये मीसोजोआ क्या होता है। चलिए
अब देखिए मिसोजोआ, मिसोजोआ कुछ नहीं है, ये ऐसे सेल्यूलर एनिमल्स हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज है कि यहां पर तो यूनिसेल्यूलर हो गए, लेकिन ये जो मल्टी सेल्यूलर है यहां पे नंबर ऑफ सेल मोर देन वन है। हमेशा ये ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ सेल मोर देन वन है या फिर मैनी है, बहुत सारी सेल्स है। लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसा है, अगर ये ट्रू सेंस में सारी के सारी एक साथ, अब देखिए जब सेल एक साथ आती है तो जैसे मैंने अभी कहा कि एक साथ ही एक सजा नहीं होनी, तो शुरुआत में बहुत सारी सेल्स हैं लेकिन वो साथ तो हैं एक गुच्छे में, लेकिन वो ढंग से कोऑर्डिनेटेड नहीं है। फिर कोशिकाएं एक साथ रहने तो लगी लेकिन उनमें लेबर ऑफ डिवीजन नहीं है, वो एक साथ रहते हुए भी अलग अलग है। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण, जब आप मल्टी सेलुलरिटी के बारे में पढ़ते हैं तो वॉल वॉक्स पढ़ते हैं, तो वॉल वॉक्स में हम क्या देखते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं एक जिलेटिनी आवरण में एक साथ रहती हैं, लेकिन क्या सारी कोशिकाओं ने आपस में काम बांट रखे, नहीं, उसमें सारी की सारी कोशिकाएं एक साथ रहते हुए भी अलग अलग है। सब कोशिकाएं अपना अपना काम करती है, कोई ऊतक नाम की चीज, टिश्यू नाम की चीज नहीं है। तो ये जो, और आगे चलकर हम ये जो तीसरा लेवल देखेंगे, यू मेटाजोआ, यू मेटाजोआ को यू मेटाजोआ इसलिए कहते हैं बिकॉज इनके नाम में ही यू लगा है, ठीक है। और जब नाम में यू लग गया है, इसका मतलब यू माने वेल, यानी ये ट्रू श्रेणी के, असली श्रेणी के, या फिर सही मायनों में मल्टी सेलुलर जीव है, यानी ये वो जीव है जिनके अंदर मल्टी सेलुलरिटी पाई जाती है। और पैराजोआ में कौन आते हैं, जो जो कि सात तो है लेकिन ढंग से अभी सेल्स ही एग्रीगेट हुई है, सेल्स ही गुच्छा में आए हैं, उनके अंदर ढंग से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ढंग में नहीं है। तो मीसोजोआ में वो जीव आते हैं जो बिल्कुल शुरुआती स्तर के हैं, और पैराजोआ के अंदर आता है जो फाइलम है, मीसोजोआ में कोई फाइलम नहीं आता, पैराजोआ में आता है पॉरीफेरा, ठीक है। तो पॉरीफेरा किसमें आएगा, पैराजोआ। मीसोजोआ के जो जीव हैं वो बस कुछ कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिनके अंदर कोई भी तरह का समन्वय नहीं पाया जाता, वो यानी वो ऐसा कह सकते हैं यूनिसेलुलर जैसे ही हैं, ठीक है, वो बस एक। लेकिन अपन पॉरीफेरा में देखते हैं बहुत सारी कोशिकाएं हैं, केवल डिप्लोब्लास्टिक जीव दो ही स्तर पाए जाते हैं, और कोशिकाएं हैं वो उन्होंने आपस में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बनाना शुरू कर दिया है, जैसे कि आउट अंदर जो इसका ऑस्टिया है उसको कवर करने वाली कोशिकाएं क्वाइनोसाइट्स होती हैं। तो कोशिकाएं रहने तो लगी हैं साथ में, लेकिन अभी इनके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन नहीं है। पैराजोआ, मेटाजोआ और मिसोजोआ का एक डिटेल्ड वीडियो हम आगे पढ़ेंगे जिसमें और क्लियर होगा। यहां पर हम यू मेटाजोआ की बात करते हैं, और ये जो यू मेटाजोआ ट्रू मेटाजोआ, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, रेड पेन यूज नहीं करूंगा बिकॉज हम केवल फाइलम लिखेंगे, ट्रू जो मेटाजोआ है वो होंगे यहाँ पर, ये है ट्रू मेटाजोआ। ट्रू मेटाजोआ यानी मल्टी सेल्यूलर, असली में मल्टी सेल्यूलर ये है। असली मल्टी सेल्यूलरिटी का मतलब है कोशिकाएं एक साथ रहने लगी, और एक जैसी कोशिकाओं ने मिलकर के, एक जैसा काम करने वाली कोशिकाओं ने मिलकर के क्या बनाया, ऊतक बनाया। ऊतक के रूप में जब कोशिकाएं इंटीग्रेट हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर लेती हैं, एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं एक साथ गुच्छा बना के रहती हैं, उनमें बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तब मल्टी सेल्यूलरिटी का। और आप ध्यान रखिए हम जो चीज अभी बात कर रहे हैं, बिकॉज जब हम जीवन के उद्भव की बात करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट है जिन्हें माइलस्टोन कहा जाता है। उसमें से एक बहुत शानदार जो माइलस्टोन है वो है ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलर। पूछे कि हैं 5-6 माइलस्टोन है, उसमें से जो सबसे क्रूशियल है वो है बहुकोशिकीयता का विकास, जीवन के उद्भव में एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो यू मेटाजोआ वो ऑर्गेनिज्म है जहां पर पहली बार मल्टी सेलुलर, और जब कोशिकाएं पहली बार मल्टी सेलुलर में आ गई, इन्होंने जब टिश्यू विश्यू बनाना शुरू कर दिया, अब उनकी बॉडी को, ये जो सारे जीव जो यू मेटाजोन्स हैं इनको जब हमने देखा, इनकी बॉडी प्लान को जब हमने देखा, तो इनके अंदर सममिति के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर हम इन्हें दो ग्रेड में बांट सकते हैं। कौन कौन से ग्रेड हैं आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सारे के सारे यू मेटाजोन्स, ठीक है। अब हम देखिए फाइलम कौन कौन से पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं प्रोटोजोआ, फिर पढ़ते हैं पॉरीफेरा, और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था प्रोटोजोआ को तो छोड़ ही दो, पहला पॉरीफेरा ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम कौन पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर एक टीनोफोरा और पढ़ते हैं, एक माइनर फाइला है लेकिन टीनोफोरा पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम अभी इन दोनों की बात करने वाले हैं।
रेडिएट वो जीव है जिनकी बॉडी गोल मटोल है, यानी कोई भी ऐसा जीव जिसको उसके केंद्र में से गुजरती हुई किसी भी त्रिज्या से काटने पर अगर वो दो बराबर भागों में बट जाए तो वो रेडियल सिमेट्री बन। तो यहां पर ये होते हैं अरीय सममिति वाले जीव, सारे के सारे अरीय सममिति वाले जीव होते हैं। और ये जो बाइलेटेरिया है, बाई माने दो, लेटेरिया माने लेटरल, लेटरल माने पार्श्व, यानी दो पार्श्व है। यानी कोई भी ऐसी चीज, जैसे मैं सिंपली एक जैसे ह्यूमन बॉडी को या फिर किसी भी जैसे मान लो मेंढक की बॉडी बना दें किसी को, इसको देखो कि आप दो बराबर बराबर भागों में, यानी बाइलेटरल सिमेट्री हुआ है जब भी किसी जीव के शरीर को की बीच में से गुजरने वाले किसी एक तल में से, त्रिज्या नहीं तल में से, प्लेन, एक प्लेन में से दो बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके तो उसे बाइलेटेरिया कहते हैं। इसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में यहाँ पे दे रहा हूँ। हमने 15 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जब तक आप टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ेंगे आपको क्लासिफिकेशन ढंग से नहीं आए, ठीक है। तो ये हो गया बायलेटरल सिमेट्री वाला। और ये जितने भी ये रेडिएटा है, रेडिएटा में कौन कौन आते हैं भाई, ये भी देखें, रेडिएटा में आते हैं अभी अभी हमने बात की सिलेंड्रेटा, ठीक है। सिलेंड्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं, और दूसरे हैं टीनोफोरा, ये मेजर फाइलम है और ये माइनर फाइलम। टीनोफोरा ध्यान रखने वाली बात है, माइनर फाइलम, चार फाइलम की बात हम कर चुके हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज ध्यान रहे अरीय सममिति वाले केवल दो ही फाइलम है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में आता है, कौन कौन से हैं, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी हमें एलिमेंट क्लासिफिकेशन को ढंग से समझना हो तो हमें एक चीज हमेशा करनी चाहिए, फाइलम, जब भी हम किसी फाइलम का नाम लें या फिर किसी क्लास का ऑर्डर का नाम लें उसका एक बंदा आपके माइंड में रहते हैं। जो सिलेंड्रेटा का नाम लेते हैं आपके माइंड में आना चाहिए हाइड्रा, ठीक है। तो सिलेंड्रेट में देखिए हाइड्रा की बॉडी लंबी है, उसके ऊपर टेंटाकल्स है और उसमें खाली एक ही मुंह होता है ऊपर, तो उसमें खाली माउथ होता है, एनस नहीं होता। और टीनोफोरा में कौन मिलती है, कॉम जेलीज मिलती है, गोल मटोल है, उनमें बाहर झालरें सी लटकी हुई है, समुद्र में पाई जाती हैं। तो जब भी आप टीनोफोरा को पढ़ें नेक्स्ट टाइम तो हमेशा उसमें पाए जाने वाले जीवों की पिक्स देखें, फोटोज देखें, डायग्राम भी देखें, और उन डायग्राम में क्या क्या चीज नॉमेनक्लेचर किया हुआ है, उनके डायग्राम में कहाँ क्या है आप देखेंगे, कॉम प्लेट है, आप देखेंगे गोल बना हुआ ऊपर से नुक बना हुआ है। विजुअल मेमोरीज आर द बेस्ट मेमोरी, जब वो देखते हैं वो बहुत अच्छे से याद रहता है। तो जब आप दो चार बार टीनोफोरा के जीवों को देखोगे तो आपके माइंड में हमेशा छप जाएगा कि टीनोफोरा में कॉम जेलीज आते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको डायग्राम देखने पड़ेंगे। इसलिए जब भी हम बुक पढ़ते हैं डायग्राम्स को देखें, और डायग्राम को जब देखेंगे तो याद रहेगा हमेशा कि क्या है, अदरवाइज टीनोफोरा में क्या आता है पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो भी गोल मटोल है, ठीक है। और जो सिलेंड्रेट है, हाइड्रा है, ये भी क्या है, लंबे, जैसे खीरा है, खीरे को आप बीचों बीच किसी से भी एंगल से काटेंगे बराबर भाग में कट जाएगा। तरबूज ले लो आप, तरबूज को बीचों बीच में से किसी भी त्रिज्या में से काटोगे बराबर कटेगा। तो ये जो लंबाई वाली चीजें हैं वो सारी की सारी रेडिएटा में आई। अब एडवांस जीव कौन से हुए, बायलेटरल। तो कोई भी जीव आपको दिख रहा है और उसकी बॉडी को अगर आप लंबवत तरीके से, जैसे हमारा, अगर आप दो भागों में बांट सकते हैं तो उसे हम हमेशा बायलेटेरिया ही कहेंगे, बायलेटरल द्विपार्श्व। और ये जो बायलेटेरिया जो जीव है इनको फिर हम दो डिवीजन में बांटते हैं, पहला है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा है ड्यूट्रोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया, अगेन प्रोटोस्टोमिया वो जीव होते हैं, अगेन इसको हम छंद संधि विच्छेद कर लेते हैं, प्रोटोस्टोमिया में वो जीव होते हैं आते हैं जो प्रोटो माने फर्स्ट, स्टोमा माने माउथ, इसे प्रोटोस्टोमेटा भी कहते हैं, कई लोग प्रोटोस्टोमेटा भी बोलते हैं, ड्यूट्रोस्टोमेटम भी बोलते हैं। तो जैसे हम यहाँ लिख देता हूँ प्रोटोस्टोमेटा, ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ समझिए, प्रोटोस्टोमेटा, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोमा मीन्स माउथ, एटा मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सीधी सी बात है, जंतुओं का ऐसा समूह है जिनमें पहले माउथ बनता हो प्रोटोस्टोमेटा। यूट्रो मीन्स आफ्टर, अगेन स्टोमिया बाद में मुख बनाओ, तो बाद में मुख बनाओ पहले क्या बनाओ, एनस बनाओ। तो ये जो प्रभाग है, ये जो डिवीजन है, यानी ऐसे जीव, अब देखिए आप उल्टा चले, ऐसे मल्टी सेलुलर जीव जिनके अंदर जो बायलेटरल सिमेट्री वाले हों, और जब इनके इवोल्यूशनरी, जब इनका डेवलपमेंट देखते हैं, और एक बहुत काम की चीज है कि जब ये
गैस्ट्रुला अवस्था में होते हैं, तो गैस्ट्रुला एक गेंदनुमा रचना होती है, आप सभी ने डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ी होगी, उसकी एक ओपनिंग होती है, और गैस्ट्रुला अवस्था की जो ओपनिंग है उस छिद्र को हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लास्टुला अवस्था में ब्लास्टोपोर नहीं पाया जाता, गैस्ट्रुला अवस्था की ओपनिंग को हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम्स में आता है लेकिन बच्चों को क्लियर ही नहीं होता, ठीक है। तो गैस्ट्रुला अवस्था की जो ओपनिंग है उसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, और अगर ये ब्लास्टोपोर जिस जीव में आगे चलकर पहले माउथ बने, तो जब माउथ बनेगा तो जो अंदर जो गुहा बन रही है वो क्या है, आहरनल, और जो दूसरे साइड से खुलेगी तो बाद में क्या बनेगा, गुदा बन जाएगी। लेकिन जो ड्यूट्रोस्टोम जीव है उनमें ये जो ब्लास्टोपोर है ये एनस बनेगी और बाद में जाकर के लास्ट में मुख का निर्माण होगा। ध्यान रहे ऐसे जीव एडवांस जीव होते हैं, हम ड्यूट्रोस्टोम इकाइनोडर्मेटा से शुरू होते हैं। एक चीज और गांठ बांध लो, इकाइनोडर्मेटा से आगे चल करके, इकाइनोडर्मेटा के बाद में मेजर फाइलम कौन है, द्वितीय है, क्योंकि जब हम मेजर फाइलम की बात करते हैं, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और फिर पढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ड्यूट्रोस्टोम है और इकाइनोडर्मेटा के बाद में एक ही फाइलम है कॉर्डेट, यानी केवल दो मेजर फाइलम है जो ड्यूट्रोस्टोम है, इकाइनोडर्मेट्स और कॉर्डेट, ठीक है। तो प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया, ड्यूट्रोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया को आगे कैसे क्लासिफाई करते हैं ये भी हम आगे देखते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, इतना जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत अच्छे से समझ में आना जरूरी है।